الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما محترم علماء الكرام मेरे अपने नौजवान साथियों और पर्दा नशीन माओ और बहनों आज के इस इजलास में मेरे लिए जो ान तजवीज़ हुआ जिस पर इतफ़ाक़ हुआ वो जैसा कि आपने सुना मुस्लिम माशरे में तोहुम परस्ती और उसके मज़ाहिर येवान तय हुआ था कभी कबार ऐसा होता है कि मौका महल की मुनासबत से किसी और पर बोलना ज़्यादा बेहतर हो जाता है इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में ये मुनासिब समझा कि मुख्तसर से वक्त में पर्दे के हवाले से और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उससे मुतिक बहुत ही मुख्तसर सी चंद बातें बतौर याद दहानी के आपके सामने रख दी जाएं ताकि हम और आप जिस तरह आम हालात में अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं इन हालात में भी अल्लाह ताला के दिन की तालीमात को एक दूसरे की याद दहानी करवाएं और बाहम मिलकर इन हालात में भी अल्लाह ताला की बंदगी के तकाजों को पूरे करें ये हालात आते हैं गुज़र जाते हैं लेकिन कमाल इसमें होता है कि हर गुज़रने वाले मरहल्ले के साथ लम्हे के साथ हम अल्लाह ताला से कितने करीब होते हैं इसीलिए मुझे आप हज़रा और ख़वान के सामने बहुत ही मुख्तर सी गुफ्तु करनी है पर्दे से मुतिक कुछ बुनियादी बातें असल में मुझे आपके सामने रखनी है हाजिर गिरामी सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पर्दे का ताल्लुक मर्दों से भी है औरतों से भी है आम तौर पर पर्दे का तस्करा जब किया जाता है तो औरतों ही को लोग बखातब समझते हैं लोग समझते हैं कि औरतों ही को पर्दे का हुक्म है औरतों के अलावा किसी और को हुक्म नहीं दिया मर्दों का उससे कोई ताल्लुक नहीं मैं आज आपके सामने इब्तिदा इसी से करता हूँ कि मर्दों से सबसे पहले हम आगाज करते हैं, फिर ख़वातीन की तरफ पर्दे के सिलसिले में आते हैं। पहली बात तो ये कि मर्दों को अपने पर्दे का ख्याल रखना चाहिए और अपना पर्दा क्या है आदमी के यानी मर्द के नाव से लेकर उसके घुटने तक का जो हिस्सा है यह मर्द का सतर है मर्द का सतर ढांपना चाहिए बाज़ इल्म ने तफसील की कहा कि घुटने से लेकर रान तक का हिस्सा इसे कहते हैं औरतमुख यानी इसका पर्दा उतना ज्यादा शदीद नहीं जितना ज्यादा नाव से लेकर आपकी रान तक के हिस्से का पर्दा है मर्द का यह पर्दा है अब इस पर्दे का मतलब क्या है मर्द को समझना चाहिए कि उसकी सतर पोशी का अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया है कम से कम इतना हिस्सा आदमी को ढांप के रखना चाहिए अब यह ढांपना कैसा एक तो कपड़े से ढांपना है वो तो ढांपता ही आदमी लेकिन इस्लाम आपको यह भी सिखाता है कि मर्द का ये पर्दा है कि मर्द ऐसा लिबास ना पहने जो उसकी रानों को जो उसकी अपनी शर्मगा का आगे का हिस्सा या पीछे का हिस्सा उसकी नाव से लेकर घुटने तक का हिस्सा मुजस्म होकर दिखाई दे उसका जिस्म जिसम का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से उसको फिजिकली देखने वाले को नजर आए कि ये मोटा है कि पतला है शेप क्या है शेप नजर आए ऐसा कोई लिबास मर्द के लिए इस्लामी शरीयत में मर्द की सतरपोशी के मुनाफी और खिलाफ है ये मर्द का पर्दा है मर्द को इसका लिहाज रखना चाहिए आज अगर आप देखें मर्दों का यह पर्दा भी लोगों के पास नहीं पाया जाता है मर्द को पर्दे के सिलसिले में जिन बातों का हुक्म दिया गया उसका दूसरा एक पहलू आपके सामने रखता हूं इस्लाम यह बताता है कि पर्दे के मामले में सिर्फ औरतों को सिर्फ पर्दा नहीं करना है मर्दों को अपनी निगाहों का पर्दा करना है अपनी समाज को आदमी को पर्दे में रखना है यानी मर्द को चाहिए कि गज़े बसर से काम ले अपनी निगाहों को नीची रखे किसी गैर महरम औरत को और हत्या के बाद इल्म ने लिखा अगर कोई बलुगत के करीब जो लड़का है या बाल लड़का अभी उसकी दाढ़ी नहीं होगी है उसको देखकर आदमी फितने में मुबतला हो सकता है तो कहा वहां भी अल्लाह ताला ने अपनी निगाहों को नीचे रखने का हुक्म दिया ये मर्दों का पर्दा है से कहें कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें मर्दों का ये पर्दा है इसका लिहाज रखना चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मुखातब करते हुए कहा था कहा कि या अली अली ला लतुत नवरत नज़रा एक नजर के बाद दूसरी नजर मत डालो इसलिए कि पहली नजर जिसको हम उर्दू में कहते हैं इतफाकी नजर गैर इरादी नजर डाली नहीं नजर पड़ गई आंख उठाई सामने औरत नजर आ गई ये तुम्हें मुआफ है तुम्हें उसके लिए अल्लाह ताला के पास छूट है लेकिन जो इरादतन दूसरी नजर डालते हो यह तुम्हारे लिए जायज नहीं है आज आप इस हवाले से देखें मर्द इस मामले में अपनी निगाहों का पर्दा कितना करते हैं आपको नजर आएगा कि मर्दों के पर्दे का मामला भी आज तवज्जो का तलब गार है तीसरी बात मर्दों से मुत, मुता कहना चाहूंगा वो ये कि भाइयों एक बात याद रखो औरतों का पर्दा है औरतों को अपनी पाबंदी करनी है लेकिन किसी मुकाम पे अगर औरत उसकी पाबंदी नहीं करती तो आपको अपना अपनी पाबंदी करनी चाहिए जैसे मैं आगे जिक्र करूंगा औरतों को हुक्म है कि वो मर्दों की मजलिस में दाखिल ना हो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं किसी ऐसी जगह पे हैं जहां औरतें घुस आई हैं बेपर्दगी के साथ तो आप ये ना कहे मैं तो पर्दे में हूं औरतें घुस के आ गई आपका काम आप वहां से निकल जाए आमतौर पर पर्दे के जो अहम है मैं जो बड़ी तेजी से गिनाऊंगा खातिन से मुतालिक लोग ये समझते हैं कि सिर्फ औरतों का काम है उनमें से बहुत सारे काम ऐसे हैं औरतों को करने चाहिए मर्दों को उनका साथ इस माने में देना चाहिए कि अगर उनसे गलती हो जाए तो आप उस गलती पे बाकी ना रहें वहां से आप अपने आप को हटा लें इसकी फिक्र करनी चाहिए पर्दे का ये तीसरा पहलू है मर्दों से मुतालिक जो इस्लामी शरीयत मुझको और आपको बताती है और आमतौर पर आप देखेंगे इन मामला में ये जो तीसरी किस्म के मामला हैं सारा मामला औरतों के सर डालकर मर्द समझते हैं कि हम हैं समझते हैं औरतों का ही मामला है पर्दे का नहीं ये गलत कोई औरत आपके साथ अगर बेतकल्लुफी से बात करती है आप ये नहीं कह सकते कि वो औरत की जिम्मेदारी है कि बात करे, मैं तो कर ही सकता हूं कहा तुम्हारा भी पर्दा औरत से बात नहीं कर सकते वो गुफ्तगु जो गुफ्तगु गैर जरूरी हो और वो गुफ्तगु जो फितने का बाइस बनती हो इसमें भी तुम्हारा पर्दा असल जिम्मेदारी औरत की है लेकिन अगर औरत की तरफ से पहल हो तो तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा बात याद रखें ये जो पर्दे का तीसरा जो दर्जा तीसरा बाप जिसे मैं बता रहा हूं जिनकी तफसील आपके सामने रखूंगा यहां भी मर्दों की तरफ से पर्दे के मामले में बहुत सारी कोताहियां हो रही हैं इनसे हम और आपको परहेज करना चाहिए मैंने कहा मर्दों से इब्तिदा कर रहा हूं मुख्तसर से तीन हवाले दिए हैं इनकी जो तफसीलात आप हमसे ज्यादा देखते हैं हमसे ज्यादा समझते हैं आपके सामने बात होगी हम आते हैं औरतों की तरफ अल्लाह तब रक ने औरतों को परदा करने का हुक्म दिया बल्कि हजरत अब की रिवायत है तिरमिदी में जिसमें उर्दू में, में तर्जमा करते हैं औरत औरत है औरत औरत है अरबी जबान में औरत का माना ही होता है वो चीज जिसको छुपाया जाए औरत का माना वही चीज वो चीज जिसको छुपाना चाहिए हती कि मैं आपको बताऊं शर्मगाह को औरत कहा जाता है अरबी जबान मर्द की हो कि औरत की हो शर्मगाह को लफ अरबी जबान में औरत कहा जाता है इसलिए कि वो छुपाई जाने वाली चीज है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तिरमिधी में ये रिवायत है कहा कि अल अलमरतरा औरत जो है वो औरत है हजरीन गिरामी अजान के लिए वक्फा हुआ वक्फे से पहले मैं आपसे यह कह रहा था सबसे पहले हम औरत की पर्दे की जब बात करते हैं तो बुनियादी बात आप ये समझें कि अरबी जबान में अलमर अतु जिसे कहते हैं हम उर्दू में उसे औरत कहते हैं मर्द औरत ये लफ्ज औरत खुद अरबी जबान से माखूज है और अरबी जबान में औरत का माना ही छुपाई जाने वाली चीज है इसीलिए मैंने जैसे कहा शर्मगा को औरत कहा जाता है मसूद तिरमिदी की रिवायत की रोशनी में अलमर और औरत जो है यानी जो औरत मर्द के मुकाबले में जो जींस है वो औरत है यानी छुपाई जाने वाली चीज है ये खुद हदीस शरीफ से साबित शुदा मसला है इसलिए भाइयों पर्दे के सिलसिले में यह बुनियादी मसला याद रखो कि हम जब बात करते हैं तो मर्द और औरत और दोनों को एक दर्जे में रखकर बात नहीं कर सकते दोनों का एक दर्जा और एक हैसियत नहीं हो सकती और आज जब हम औरत के सिलसिले में बात करेंगे मैं कुछ बुनियादी तालीमा आपके सामने रखना चाहता हूं कि और सुन्नत में अल्लाह तला ने पर्दे के बारे में क्या कहा है आज हमारे और आपके समाज में औरत का पर्दा अगर कहा जाए तो क्या आपको मालूम है बुरका या चादर औरत ले और डाल कर निकल जाए तो यह पर्दा पर्दे के नाम पे सिवाय बुरका के सिवाय चादर के और किसी चीज को लोग पर्दे के अंदर नहीं दाखिल समझते हमारी कितनी माए और बहनें हैं जो बुरका पहन लेती हैं या नए जमाने में जो हिजाब आया हिजाब पहन लेती हैं और उसके बाद समझते हैं कि पर्दा पूरा है मर्दों में बेधड़क घुसती चली जाती हैं मार्केटों में धक्का मुक्की के साथ चलती हैं क्या कुछ नहीं होता आप जानते हैं वजह क्या है वजह यह है कि पर्दा इस्लामी शरीयत में किसको कहा गया क्या बातें हैं जिनका हम और आपको पर्दे में अल्लाह ताला ने लिहाज रखने का हुक्म दिया है ये आज की हमारी मुस्लिम माओ और बहनों को समझने की जरूरत है मेरे भाइयों सबसे पहली बात आज आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि पर्दे के मौजू पे सबसे पहले हमें पर्दा क्या है इसी को समझने की जरूरत है और वो पर्दा क्या है अगर आप देखें कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहादीस में औरतों के पर्दे से मुतालिक बहुत सारी बातें बयान की सूरह निसा में अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकाम बयान किए सूरह नूर में अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकाम बयान किए सुरहब में अल्लाह तारे अहकाम बयान किए औरतों को चाहिए कि इन सूरतों की और खास तौर पर इन सूरतों में पर्दे से मुतक जो अलग अलग हदायात आई हैं उनको उनकी तफसीर किताबों से पढ़े अल इम के दर्श में सुने इन तीन सूरतों में खास तौर पर अल्लाह ततों के पर्दे से मुतक बहुत सारी बातें बयान की सुरह निशा में सुरह नूर में और सुर एहजाब में इन तीन सूरतों में अल्लाह ने बयान की और इनके अलावा नबी अलैहि असला तो सलाम ने खुद अपनी जिंदगी में अमल करके बतलाया और साहबा को अहादीस की शक्ल में पर्दे से मुतालिक बहुत सारी बातें सुनाई सिखाई हैं मैं आज नुकाद की शक्ल में नंबर वार आपके सामने पर्दा किसे कहते हैं सिर्फ इन चीजों को गिना देता हूं आयतों के हवाले से या अदीस के हवाले से ताकि आप समझें कि पर्दा कितनी बड़ी चीज है जिसे लोगों ने एक मामूली से कपड़े का मामला समझा हुआ लोगों ने समझा है कि मामूली से एक बुरका पहन लिया और बसा औकात अब तो पर्दे का मतलब ये समझती है कि लिबास वही जो घर का लिबास है एक हिजाब एक स्काफ पहन लिया तो वह खातून शुमार कर ली जाती इस्लाम इस्लामी शरीयत में पर्दा किसे कहा गया इस्लामी शरीयत में पर्दा किसे कहा गया है इसको अगर आप समझना चाहें तो कुछ बातें मैं रखूं और जो बातें मुझसे छूट जाएं अगर छूट जाएं तो आप इन किताबों में जिन इन सूरतों में जिनका मैंने हवाला दिया आप अगर पढ़ें आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी सबसे पहली बात इस्लामी शरीयत हम और आपको यह बताती है औरत के पर्दे का सबसे बुनियादी मसला यह है कि औरत का असल ठिकाना उसका घर है औरत का असल ठिकाना उसका घर है न तुम अपने घरों में टहरी रहो जमाने जाहिलियत की तरह बाहर ना निकला करो बेपरदगी के साथ ना निकला करो तुम अपने घरों में टहरा करो औरत के पर्दे का सबसे बुनियादी मसला यह औरत के पर्दे का बुनियादी मसला यह कि औरत घर में रहे असल उसका काम घर में है असल उसकी इबादत और बंदगी असल घर में है असल औरत को अपने घर में रहना है मर्दों की तरह घर और बाहर उसके लिए एक नहीं घर और आंगन एक नहीं औरत का असल मामला घर का है वक़रन कर्नफी भूयूती कुन मेरी माओ और बहनों और मेरे अपने भाइयों आज आपके सामने ये बात मैं कहना चाहता हूं पर्दे के मौजू पे हमारे और आपके सामने लिबरल लोग गुफ्तु करते हैं हमारे और आपके सामने सेकुलर लोग गुफ्तु करते हैं और हमारे और आपके सामने मगरबी तहजीब से मुतासर लोग गुफ्तु करते हैं और हमारे और आपके सामने वो लोग जो कहते हैं नहीं पुराना जमाना अलग था नए जमाने में इस्लाम पे पूरी तरह अमल नहीं हो सकता तरह तरह के लोग बात करते हैं मैं आपसे इतना कहूंगा इन सारे लोगों को एक तरफ रखें पहले पढ़ेंगे कुरान में अल्लाह ने आपसे क्या कहा है नबी नबीलाम ने क्या ने रखी है, रसूल ने है दीन ने क्या छूट दी है कितनी गुंजाइश निकली है? आपको पता चलेगा असल ये औरत घर में रहे यही उसके पर्दे की पहली बुनियाद है उसके पर्दे की पहली बुनियाद इसीलिए घर में बैठा हुआ मर्द बाहर घूमती हुई औरत कभी अच्छा नहीं हुआ करते घर में बैठा हुआ मर्द जो मेहनत ना करे रोजी रोटी कमाने के लिए ना निकले घर में बैठा रहे और वो औरत जो बिना जरूरत घर से बाहर चक्कर लगाए चाहे मेरा दम घुटता है मेरी तबीयत घबराती है इसका मतलब यह हुआ कि यह असल के खिलाफ है असल ये कि औरत को घर में रहना चाहिए क्या औरत घर से निकल सकती है क्या इस्लामी शरीयत ने हमें बताया जरत सौदा रदी अल्लाह तजरत आयशा की रिवायत है कहती है पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था अभी अभी पर्दे का यानी हजरत उमर का नाजिल हुआ था औरतें पर्दे के साथ घर से निकला कर दी थी हजरत उमर की ख्वाहिश थी कि औरतें निकले भी नहीं औरतें निकले भी नहीं एक मरतबा हजरत सौदा उम्मीद रहा घर से निकली शाम का वक्त था उनको यह था कि जरूरत के लिए गई थी अपनी जरूरत के लिए उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाहन ने देखा तो कहा कि, कि या सौदा सौदा तुम घर चेरी बास में आई हो पूरी लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पहचान गया इम ने लिखा हजरत सौदा रजी अल्लाह तला जरा लंबे कद की ऊंची कद की औरत थी वो ऐसे ही पहचान ली जाती थी हजरत उमर ने कहा सौदा मैंने तुम्हें पहचान लिया मैंने तुम्हें पहचान लिया सौदा परेशान हुई अंदर आई आकर अल्लाह के नबी से शिकायत की माई आयशा कहती हैं कि हदरत सौदा ने कहा अल्लाह के नबी मैं बाहर निकली तो उमर ने मुझसे ऐसे कहा वो चाहते हैं कि हम निकले ही नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी खाना खा रहे थे आपके हाथ में गोश्त की बोटी थी उसी हालत में आप पर वही नाजिल हुई अल्लाह के नबी नबीम पर से जब वही का ख़त्म नबी तो ने वही बैठे बैठे अल्लाह के नबी ने कहा खातन सुनो तुम्हें इजाजत दी गई है कि तुम अपनी जरूरतों के लिए बाहर निकल सकती हो तुम अपनी जरूरतों के लिए बाहर निकल सकती हो ऐसा नहीं कि घर में ही रहो घर से निकल सकती हो लेकिन कब जब तुम्हें जरूरत हो तुम्हारी जरूरत हो अब हमारा मसला यह है कि अरबी जबान में जो जरूरत है वह उर्दू जबान की जरूरत के मुकाबले में बहुत अलग है उर्दू में जरूरत हर काम हम अपनी जरूरत कहते हैं तफरी के लिए भी निकला आदमी तो जरूरत कहता है कहीं भी निकलना वो जरूरत ही कहता है इस्लामी शरीयत आपको यह बताती है कि अगर वाकियतन आपको जरूरत है किसी चीज की जो अरबी जबान की जरूरत है अगर उस किस्म की जरूरत है औरत अपने घर से बाहर निकल सकती है अपनी जरूरत के लिए निकल सकती है तो घर से निकलने का मसला बवक्ते जरूरत है बकदरे जरूरत है बवक्ते जरूरत है बकदरे जरूरत है यह मसला याद रखें यह पर्दे का दूसरा बुनियादी उसूल है कि बिना जरूरत औरत अपने घर से बाहर न निकले अच्छा तीसरी बात पर्दे के सिलसिले में जिससे हमारे माशरे में कोई परवाह नहीं की जाती वो क्या है औरत अपनी जेबो जीनत का इजहार किसके सामने कर सकती है पहली बात यह बात याद रखें इस्लामी शरीय आपको यह बताती है कि आपके कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे निकाह आपका हो ही नहीं सकता कभी भी इनको कहते हैं मुहरमात वो जिनसे कभी निकाह नहीं हो सकता जायज नहीं माँ से कभी निकाह नहीं होता बहन से कभी नहीं होता बेटी से कभी नहीं होता आपकी अपनी सास है उसे कभी नहीं होता आपकी अपनी खाला है उसे कभी नहीं होता आपकी अपनी सगी फूफी है उससे नहीं होता आपकी अपनी नानी है उनसे नहीं होता आपकी अपनी दादी है इनसे नहीं होता इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो रिश्ते जिनसे कभी निकाह नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता उनसे पर्दा आपका नहीं है आप उनके लिए महरम हैं आप उनके लिए महरम हैं आप उनको देख सकते हैं वो आपको देख सकते हैं आप उनसे खुल के बात कर सकते हैं वो आपसे खुलकर बात कर सकते हैं और हत्या के अहले इल्म ने कहा उनसे मुसाफा कर सकते हैं हत्या के आप अगर उनकी पेशानी का बोसा लेते हैं पेशानी का बोसा ले सकते हैं आप अगर एहतियात के साथ ही लेकिन मुआनका भी करते हैं जायज है लेकिन गाल पे बोसा देने होठ पे बोसा देने से परहेज करना बेहतर है इससे परहेज करना ये कौन जिनसे कभी आपका निकाह नहीं हो सकता बाकी वो औरतें जो किसी और के निकाह में होने की वजह से आप निकाह नहीं कर सकते लेकिन अगर वो उनके निकाह से निकल जाए तो आप निकाह कर सकते हैं आपकी साली आपकी मामी आपकी चची आपके चचाजात बहने आपकी मामूजात बहने आपकी फूफीजात बहने आपकी, आपकी खालाजात बहने और ऐसे ही किसी भी मर्द के निकाह में मौजूद औरत ये जब तक किसी के निकाह में हो तो आप नहीं कर सकते और वो निकाह में ना हो तो वो औरत उस औरत से भी आपका निकाह हो सकता है जो जिससे कभी निकाह हो सकता है उसके लिए आप गैर महरम हैं और इस्लामी शरीयत ये कहती है वाला अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी जेबो जीनत का इजहार ना करो इल्ला मा मिन्हा, सिवाय उसके जो जाहिर हो जाए इन गैर महरम चाहे ये जो रिश्तेदार है वो या बराए ना पूरे अजनबी क्यों ना हो गैर महरम अगर हैं तो उनके सामने जो चीज ज़ाहिर हो जाए क्या मतलब मुफस्रीन ने लिखा इससे मुराद इतने हाथ है यह पहुंचा यह जो हाथ है यह है और दूसरा बाज मुफसरीन का चेहरा चेहरा खुला हो सकता है और हाथ खुला हो सकता है इसके अलावा बकिया सारा हिस्सा इन तमाम मर्दों से छुपा कर रखना है गिरेबान है आपके सर के बाल हैं आपके अपने कपड़े हैं और हती कि अगर आपने कपड़ा ऐसा पहना है जिससे आपके जिस्म के हिस्से नजर आ सकते हैं तो उस कपड़ों के साथ भी आप किसी को अपने गैर महरम को नजर नहीं आ सकती और मर्दों को भी है कि ऐसी किसी औरत को देख नहीं सकते दो तरफ से पर्दे की बात जो मैंने कही वो इसका ख्याल रखना चाहिए चेहरे के सिलसिले में भी यह बात याद रखें अह इल्म के दरमियान दो राय हैं और अक्सर अहल इल्म का मौकफ यह है कि नहीं चेहरा भी पर्दे में दाखिल है कि औरत का हाथ दिख सकता है लेकिन चेहरा नहीं दिखना चाहिए यही अहल इल्म में से एक बड़ी बड़ी तादाद का ख्याल लेकिन जिन अहल इल्म के पास ये है कि नहीं चेहरा वाजिब नहीं है उनके पास ये मसला है वो ये बताते हैं फिर भी अगर औरत ढांक कर रखती है तो ये बेहतर है अगर ढांक कर रखती है तो यह बेहतर है पहली बात तो यह घर के अंदर रहते हैं तो आप इसका ख्याल रखें कि आप के लिए महरम कौन है गैर महरम कौन है जो गैर महरम है उससे हाथ मिलाना मुसाफा करना या आमने सामने बेतकल्लुफ देखना या आमने सामने जैसे मैंने कहा लिबास वगैरह का ख्याल रखे बगैर बैठना यह सारी चीजें इस्लामी शरीयत की नजर में आपके पर्दे की मुखालफत है हमारे समाज में एक तो ज्वाइंट फैमिली का मामला है और दूसरी तरफ यह कि फैमिली ज्वाइंट ना हो तो मुआशरा ज्वाइंट है हमारा पड़ोस में ऐसे जीते हैं जैसे उनका घर हमारा घर कोई फर्क नहीं उस घर के मर्द आकर बैठते हैं घंटों बैठते हैं सुबह अल्लाह आपका शौहर रहे तब भी उसके सामने भी किसी अजनबी के सामने आप नहीं आ सकती ये महरम और गैर महरम का मामला इस्लामी शरीयत ने बड़ी ताकीद के साथ कहा साहब ने अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी आ रही था अल्लाह के नबी क्या कहते हैं देवर के बारे में शोहर का भाई देवर के बारे में क्या कहेंगे उनका अंदाजा यह था कि बाहर वाले ये तो घर का है ना अल्लाह के नबी ने कहा मौत मौत कहा कि वो तो है आज आप मेरी बात याद रखें आज इस मामले में एहतियात ना होने की वजह से अच्छे अच्छे घरानों के मामला ऐसे हैं कि पूरा जीना नहीं तो अधूरा जीना अधूरा जीना नहीं तो कम अज कम एक दूसरे के लिए फितना बने हुए हमारी बातें हो सकता है आपको लगे कि सबको कही जा रही मैं याद रखें ये वो बातें हैं जिनको हमें हकीकत समझ कर तस्लीम करना चाहिए देखना चाहिए आप देखो आप जितने घरों में जाते आते मैं जाता आता हूं अगर किसी ऐसी औरत पर जो गैर महरम है हमारी नजर पड़ती है तो क्या हमारे दिला दिमाग में शैतान नहीं खेलता हमारी माए और बहने अपने आप से पूछें किसी गैर महरम मर्द के साथ जो रिश्तेदार है आपका अल्लाह पर्दे के सिलसिले में बड़ी दिलचस्प बात आपको बताएं हमारे कुछ साथी कहते हैं कि मौलाना को अगर देखें तो खातिन रास्ते में पर्दा करती हैं बाकी किसी और को देखें तो पर्दा नहीं और कहते हैं ऐसा लगता है कि मर्द एक ही है सिर्फ मौलाना ही या दाढ़ी वाले लोग ही सिर्फ मर्द हैं ना बिल्ला ऐसा नहीं आप समझें ये जो मसला महरम और गैर महरम का इस्लाम ने बताया इसके पीछे बड़ी हिकमतें हैं बड़े फायदे हैं ये पर्दा है पर्दे के सिलसिले में यह बात याद रखें अच्छा दूसरी बात अगर आप बाहर निकल रही हैं इस्लामी शरीयत आपको फिर यहां से नया हुक्म देती है कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी जरूरत पर आप निकल रहे हैं बिला जरूरत नहीं जरूरत पर भी निकलने का एक तरीका वहां भी पर्दा इस्लाम ने दिया वो क्या है इस्लाम ने पहला हुक्म दिया का वनाती का वीसा जला भी भी है अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को अपनी बेटियों को और मोमिनों की औरतों को कहो कि वो अपना जिल्बाब लटकाकर निकला करें जिलबाब किसको कहते हैं हजरत इब्ने अब्बास अन्हुमा की तफसीर और दीगर मुफस्सिरीन के मुताबिक आप ये मसला समझें कि आपके लिबास यानी ख्वातीन के लिबास के अलावा कोई चादर कोई कपड़ा आपको ऊपर से पहनना चाहिए कोई चादर कोई कपड़ा आपको पहनना चाहिए जो युद्ध नीन लटका के रखें आप जो आपके पूरे ऊपर आपको छुपा ले पूरी तरीके से ऐसा कपड़ा पहन के ये पर्दा है आपका क्या आप पूरी तरीके से पहन कर निकले ये किस लिए जो आपको छुपाए जो आपको छुपाए आपके कपड़ों को छुपाए अगर वो कपड़े ऐसे हैं जैसे मैंने कहा ना कि जिससे आपके आजाद नजर आते हैं जिससे आपका अपना जिसम का कोई हिस्सा नजर आता है या कपड़े भी अगर खूबसूरत कपड़े हैं जिनसे लोगों की तवज्जो आपकी तरफ आती है नक्शो निगार वाले कपड़े का ऐसी चादर पहनो कि जो चादर आपके कपड़ों तक आपकी जीनत तक आपके जिसम के किसी हिस्से तक किसी की नजर को आने न दे अब हमारे समाज में बुरके का चलन है चादरों का जमाना गया बुरके का दौर आया अबाया का दौर आया और आज अल्लाह का करम फरमाए आज हमारे बुरके जो है ना वो बुरके जो है लिबास से बड़ा फितना बने हुए हैं, काले बुरके को भी ये फितना एक फितना ताजा कहिए काले बुरके को भी एक फितना, फितना, फितना ताज़ा कहिए ये बुरका नहीं बुरके का जनाजा कहिए आप देख ले मार्केट में निकल जाए किस किस टाइप का बुरका चाहिए कमर के पास कसा हुआ बुरका सुबहानल्ला शर्म आती हमको बोलते हुए सच माने आप यकीन करें अगर ये पर्दे की बात ना होती हमें शर्म आती ये सब बोलते हुए कमर पे कसा हुआ जो है बुरका जिससे क्या हो पता चले औरत की कमर कितनी नऊध बिल्ला उसकी जिस्मानी साख नजर आए सामने वाले को ऐसे कपड़े जो बताए कि औरत के सीने का उभार कैसा है मिन शर्म हया माने हैं वरना आप हमसे ज्यादा जानते हैं कभी मार्केट में चली जाए बुरके की दुकान में चली जाए इस इस टाइप के बुरके और बुरकों पर भी नक्शो निगार अल्लाह इतना नक्शो निगार कि औरत देख कर लेती है कि कौन सा ज्यादा अच्छा अल्लाह की बंदी हो बुरा पर्दे की चीज है फैशन की चीज नहीं बुरका जेबो जीनत की चीज़ नहीं जेबो जीनत को छुपाने की चीज़ है और माफ करें मेरे और आपके घर में भी ऐसी गफलत हो जाती है अच्छी औरतें हमारे घराने की बहुत सारे हमारे मुस्लिम घराने दीनदार घरानों की मैं बात करूं गफलत यह होती है कि वो जब बुरका खरीदती हैं जिस तरह लिबास को देखकर नया नया अंदाज नया मॉडल अच्छे से अच्छा बुरका भी उतना ही ज्यादा जेबो जीनत वाले खरीदती हैं कहा नहीं मिन जलाबी ऐसा जिलबाप पहनो जो तुम्हारी सतर पूजी करे जो तुम्हें ढुप छुपा के रखे हजरत इबन अब्बास रजियन तो यहां तक कहते थे ऐसी चादर पहनो जिससे सिर्फ एक आंख खुली रह सके जिससे तुम दुनिया को देख सको रास्ता देख सको जहां जा रही हो उसको देख सको सुबहान अल्लाह ये पर्दे का हिस्सा है ये भी अच्छा उसके बाद दूसरा है अल्लाह ने एक हुक्म दिया ولا بأرجلهن ما يخفين من زينتهن. एक हुक्म ये भी है कि औरत अगर रास्ते पे चलती है तो कदम ज़मीन पर इतने जोर से न रखे कि उसकी चाल की आवाज़ उसके पैरों में मौजूद जो उसकी अपनी चैन है या उसकी अपनी जेबो जीनत का इजहार कर सके चाल भी इस्लामी शरीयत ने कहा तेरी चाल में भी पर्दा है तुम्हारी चाल में भी पर्दा है इस्लाम ने कहा यह भी पर्दा है तुम्हें कदम ऐसे जमीन पर नहीं रखना है कि जिससे लोगों की जो के सामने तुम्हारी जीनत का इजहार हो अल अम ने बात लिखी कि ऐसी चप्पल जो आवाज करे पता चल जाता है आप जानते हैं हमारे समाज में ये सब मिसालें कोई क्याजुब की बात नहीं घर में बैठा मर्द बोल देता है फला औरत जा रही है क्यों उसकी चप्पल की जो आवाज है ना वो बता देती है कि ये फला की चप्पल है सुबह अल्लाह ये पर्दा है इस्लाम कहता वला अपनी चाल में भी काबू रखो ख्याल रखो कि वहां भी पर्दा है और उतना ही नहीं इस्लाम ये भी कहता है खातिन जरूरत के लिए निकलती हो तो निकलो लेकिन खुशबू के इस्तेमाल करने के मामले में ऐसी एहतियात करो कि अगर तुम्हारी खुशबू दूसरों तक पहुंचती है अल्लाह के नबी ने बहुत बड़ी व सुनाई है हमारी खातिन शादी ब्याह के लिए जाती मस्जिदों के लिए आती है और आमतौर पर इंसानी जिसम के अंदर अगर पसीने की आने की बू आने का एक खदशा रहता है तो खुशबू इस्तेमाल करते हैं ताकि पड़ोसी को तकलीफ ना हो अगर ये उस दायरे में है कि जहां ये खुशबू दू किसी को महसूस नहीं होती है कोई आपसे गले लगे तब महसूस होती है वहां तक मामला काबिल बर्दाश्त हो सकता है लेकिन खुशबू ऐसी लगा के निकले कि औरत जाए तो बाजू वाले को पता चले कि कोई खुशबू वाली गुजरी है अल्लाह के नबी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया बड़ा खतरनाक लफ्ज है अल्लाह के नबी नबीसम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया बड़ा खतरनाक लफ्ज है मैं उसको यहां बोलना नहीं चाहता हदी साबित है कि नहीं है इस मसले में अहले इल्म ने कहा लेकिन अगर यह बात कह दी जाए इस्लामी शरीयत कहती है कि आप ऐसी खुशबू लगा कर निकलेंगी तो यह बदकार औरतों की पहचान है आप शरीफ हैं लेकिन आप आदत है वो ना अपनाएं जो आपके पर्दे के खिलाफ इसमें भी आपका पर्दा है और इतना ही नहीं इस्लामी शरीयत कहती है मर्दों के साथ आपका पर्दा कैसा है मर्दों के साथ पहली बात तो इस्लामी शरीयत यह कहती है गैर महरम मर्द मैंने बता दिया महरम, महरम का फर्क शुरू में गैर सिलसिले में इस्लामी शरीयत ने एक बात यह कही कभी किसी औरत को किसी महरम मर्द के साथ तनहा नहीं होना चाहिए जहां कोई ना अल्लाह के नबी ने कहा शैतान अगर एक मर्द औरत और तना होते हैं तो तीसरा शैतान होता ही और होता ही है आप ना कहें मैं बहुत दीनदार हूं मैं आलिम हूं मैं बहुत मुत्त इंसान हूं और बाज लोग हमारे लोग कहते हैं पचास साल हो गए अब क्या है इस्लामी शरीयत कहती है कि अगर आप मर्द हैं तो आपको किसी औरत के साथ तनहा नहीं रहना है जो गैर महरम है आपके लिए अल्लाह के नबी ने कहा तीसरा शैतान होता है अब ये खलवत जिस्म के एतबार से भी हो सकती है कि, कि किसी एक घर में दोनों अकेले गैर महरम मर्द औरत और और किसी मुकाम पर भी हो सकते हैं और आज के जमाने में इस खलवत का दायरा जरा वसी हो गया है मोबाइल पर भी हो सकते हैं एक अजनबी मर्द एक अजनबी औरत के साथ तनहा है फोन पे गुफ्तु तो हो रही है इस्लामी शरीयत कहती है दोनों अगर तनहा रहेंगे तो फिर ये शैतान का दरवाजा है मर्दों के साथ ऐसा कोई मामला नहीं होगा अच्छा अगला मरहलाता ठीक है तनहा मर्द नहीं रहता औरतें मर्दों के दरमियान मर्द औरतों के दरमियान जिसे अख्तिलात कहते हैं आपस में मिल कर रहे हैं जैसे हमारे शादी ब्याह में होता है रस्मों रिवाज में होता है का यहां भी तुम्हारा पर्दा यह है कि औरत और मर्द आपस में मिले ना रहे सिवाय के आप अगर महरम है वही बात भाई बहन है मां बेटा है सास और दामाद हैं या फिर यह कि आप अपनी खाला अपनी भूपी या आप अपनी नानी अपनी दादी इनके साथ रहे ठीक है इनसे हटकर अगर दूसरी औरतें भी साथ में रहें इस्लामी शरीयत की नजर में आपके लिए जायज नहीं कि आप वहां रहे सुबह इस्लाम ने हमें कितनी प्यारी अंदा प्यारे अंदाज में सिखाया सुरहब में अल्लाह तबी आलम के घर में दाखिल होने के जो आदाब सिखाया उसमें एक मसला जिक्र किया कहा वो कहा अगर उम्मीन कौन उमहहा की माए हैं मुमिनों की माए हैं लेकिन इनकी इस माने में कहा उनके बाद कोई उनसे निकाह नहीं कर सकता जहां तक पर्दे का मसला है पर्दे के मामले में पर्दा था इसीलिए वो इदा तुम्न जब उनसे कोई चीज मांगनी हो जरूरत के लिए गए बिला जरूरत नहीं काम से आए हो कहाजब दरवाजे के पीछे पर्दे के पीछे से सवाल करो जो मांगना है जो करना है पर्दे के पीछे से, हजरत कितने लोगों को हदीस बयान करते थे आप हदीस की किताबों में पढ़े अक्सर रावी कहते हैं पर्दे के पीछे से हजरत आयशा की आवाज आई पर्दे के पीछे से हजरत आयशा के खनकार की आवाज आई पर्दे के पीछे से हजरत आयशा ने यह बताया दीन फैलाया तो भी पर्दे के पीछे से फैलाया मर्दों की मजलिस में घुसकर बैठने का यह तस्वूर इस्लामी शरीयत में है ही नहीं आज हमारे समाज में इसे पर्दा नहीं समझा जाता मर्दों की महफिल में बेधड़क औरतें आती हैं और औरतें जहां इकट्ठा है मर्द बेधड़क चले जाते हैं क्या है चचा है फूफा है खालू है फुला है इस्लाम कहता है कि यह पर्दे का मुकाम है यहां परदा करो इस्लामी शरीयत की इस तालीम का हम और आप लिहाज रखें कि इस्लाम हमें बताता है कि यहां हम और आपको पर्दा करना है कि अगर कोई मर्दों की जमात है तो वहां औरतों को घुसना नहीं चाहिए अगर औरतों की जमात है वहां मर्दों को घुसना नहीं चाहिए अल-इल्म इस मसले में लिखा है कि देखो अल्लाह ने इस अख्तिलाड़े तो हो सकते सुबह अल्लाह इस्लामी शरीय ने इख्तलात से कितनी ताकिद से मना किया यहां तो इबादत ना यहां कोई क्या गलत करेगा आप सोचे कहा नहीं मस्जिद में भी तुम्हें यह अख्तिलात से बचना पड़ेगा बल्कि अल्लाह के नबी सल्लम से उम्मीला रिवायत करती हैं कि नबी व सलाम का ये मामूल था कि सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी वसलम थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहते साहबा के साथ वहीं बैठे रहते रावी कहते हैं कि मेरा ख्याल यह है कि अल्लाह के नबी इसलिए बैठे रहते थे कि नमाज को आई हुई खातन पहले निकल जाए पीछे निकलने वाले मर्द कहीं उनके साथ जाके शामिल ना हो जाए सुबह नमाज को आते जाते हुए भी आपस में मिंगल होना जिसे कहते हैं कि खल्त मल्त हो किए औरतों के बीच में मर्द नजर आ रहा है मर्दों के बीच में औरत इस्लाम कहता है इससे आपको परहेज करना चाहिए बल्कि अल्लाह के नबी की मस्जिद में यह वाकया हुआ कि अल्लाह के नबीर ने एक मरतबा कहा कहा कि क्या ही अच्छा होगा मुझे लगता है कि यह दरवाजा अगर औरतों के लिए खास रख देंगे तो कितना अच्छा होगा रावी कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाबन उमर ने वो सुन लिया जिंदगी में कभी उस दरवाजे से दोबारा मस्जिद में दाखिल नहीं हुए मर्द और औरत और आपस में मिंगल नहीं हो सकते ये पर्दे का हिस्सा है आपको इन हकीकतों को याद रखना चाहिए और इतना ही नहीं मर्दों से बात करने की जरूरत पेश आए इस्लाम कहता है आप बात कर सकते हैं इस्लाम कहता है जरूरत पर आप बकदरे जरूरत बवकते जरूरत बात कर सकते हैं लेकिन बात करने का तरीका क्या होना चाहिए कहा फला तखा न बिल कौल औरतों तुम्हारी आवाज में एक लचक है तुम्हारी आवाज में एक नरमी है एक अपील है ख्याल रखो बात करते हुए तुम्हारी आवाज की वो लचक मर्द के सामने ना आने पाए फला तखा न बिल कौल अपनी गुफ्तु में वो कैफियत ना आने पाए कि तुम सामने वाले क्यों का फैत ही मरव प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं होगा तो सामने वाले का होगा उसके दिल में बीमारी है शहवत है ख्वाहिशात है वो फितने में मुब्तला हो सकता है सुभान अल्लाह मेरे भाइयों इस्लामी शरीयत ने पर्दे के सिलसिले में जो हकाम दिया उसका लिहाज रखें किसी भी औरत का मर्द से बात करना बेरूरत जायज है फतवा भी आप पूछती हैं तो आपको वही लबो लहजा इख्तियार करना चाहिए कि आपके लबो लहजे से सामने वाले को लगे कि यहां नो एंट्री है कोई चांस नहीं आपको जरा बराबर भी सामने वाले के दिल में गुंजाइश ना पैदा होने पाए आप अगर किसी अपने आदमी से कई बार होता है घर में काम काज करने वाले इस्लाम कहता है मामला ऐसे रखो तुम्हारी आवाज बतानी चाहिए कि किसी को जरा बराबर भी अगर उसके दिल में शुभ आए भी वो खत्म तुम्हारी आवाज से हो जाए इस्लामी शरीयत हमें ऐसे कहती है अब आप सोचें दुकानों में जाकर डिस्काउंट मांगने वाली हमारी वो खवातीन या फिर दुकानों में आने वाली खातन के साथ बेतकल्लुफ होने वाले हमारे नौजवान लड़के दुकानदार कारोबारी चाहे वो कपड़ों के दुकानदार हो या किसी और के मैं बता नहीं सकता दुकानों में क्या कुछ होता है हमारी माए और बहनें अच्छी तरह समझती हैं और हमारे वो कारोबारी भाई जो मार्केट में रहते उनको पता है इस्लाम कहता है फला बिल बात करने का भी एक अदब है तुम्हारी बात में भी तुम्हारी हया है तुम्हारी बात में भी तुम्हारा हिजाब है तुम्हारी बात में भी तुम्हारा पर्दा है बात करो बवक्त जरूरत करो कदरे जरूरत करो जरूरत पड़ती है कुछ लेन देन करने की लेन देन करो लेकिन इसका ख्याल रखो कि तुम्हें अपनी आवाज का भी लिहाज़ रखना चाहिए कि कहीं ये पर्दे में ना चला जाए और इसके साथ इस्लामी शरीयत ये भी कहती है आप घर में रहें या बाहर रहें खवातीन को एक हुक्म ये भी है अला अक्सर आला बेशतर ग़फलत होती है वो क्या है आप घर में रहती हैं या बाहर रहती हैं ठीक है सिर्फ आपका शौहर रहे ठीक है लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तरबियत के बाब से और अगर कोई गैर महरम रहता है तो वाजिबी तौर पर आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो ओढ़नी दुपट्टा जो भी है वो आपके सर से लेके आपके जिस्म के अगले हिस्से को आपके ये जो हिस्सा जो आपका गिरेबान है उसको छुपा कर रखे इसका ख्याल रखना चाहिए कितनी हमारी और हैं हैं बाहर तो पूरा पर्दा करती हैं, अपने घरों के अंदर एहतियात नहीं रख पाती। कहता है, और आगे इस्लाम ने जो बात कही लिबास के सिलसिले में कही कियामत की निशानियां ये भी कि माइला कहा कि ऐसा भी पर्दा ऐसा लिबास भी बेपर्दगी है कि आप जिसे पहनकर भी बेपर्दा नंगी हो कैसे अलीम ने कहा इतना तंग पहनो के जिसम फिर भी नजर आता हो शेप नजर आता हो और बाज अलीम ने लिखा कि ऐसा पतला कपड़ा पहनो कि कपड़ा पहना तो है फिर भी नजर आते आप जानते हैं तरबियत के बाद से यह बात याद दिला दो आपको कि एक बात याद रखें कि हमारी जो माए और बहनें हैं उनकी तरबियत बचपन से सही हुई नहीं आज वो मसला है, वो अपने बच्चों की तरबियत अगर करें छोटी बच्चियों को पहनाती है यहां से यानी मतलब आस्तीन के बगैर कपड़ा या अब आस्तीन तो ऐसी आ गई है कि शफाफ बरा नाम बिल्कुल जालीदार बच्चियों के बच्ची को आप बचपन से अगर ये कपड़ा पहनाएंगे बलुगत के बाद वो थोड़ी दूसरा कपड़ा पहनने जाएगी आप अपने घरों के अंदर पर्दे की इन बातों को याद रखें आपका लिबास होना चाहिए मैं इलातुन अहल इल्म, इल्म ने कहा उनकी चाल में जो है वो लचक वाली बात है कहा नहीं मर्दों के सामने निकलो तो मटकते हुए लचकते हुए ये चाल भी तुम्हारे पर्दे के खिलाफ है मुमीलात माइल करने वाली या बाजह इल्म ने कहा इससे मुराद अपने सर के बालों को एक तरफ खास फैशन के अंदाज में झुकाकर चलने वाली और दूगर तफसीरात भी अहले इल्म ने की मेरी माँ और बहनों सारी चीजें तुम्हारे पर्दे के अंदर हैं और इसके बाद इस्लामी शरीयत एक हुक्म बड़ा हुक्म देती है वकुल तुम्हारा पर्दा यह भी है कि तुम भी मर्दों को देखने से परहेज करो सुभान अल्लाह आज हमारे समाज में आपको मालूम है मर्द औरत को नहीं देख सकता इसलिए कि पर्दा है औरत मर्द को देख सकती है इसलिए कि उसे वो पर्दा नहीं समझती इस्लाम कहता है से कहो कि वो अपनी निगाहों का पर्दा करें अपनी निगाहों को झुका कर रहे हैं भाइयों ये परदे से मुता है इस पर्दे को असल में हमारी माओ और बहनों को और हमारे मर्दों को अपनाना चाहिए यह है इस्लामी परदा और जब आप ये इस्लामी पर्दा करेंगे ना इसके खैर बरकत आपको समझ में आएगी और इसके असर आप पर जाहिर होंगे फायदा क्या होगा इसका मैं पांच मिनट और लूंगा आपके दो तीन अहम बातें आपके सामने रख देना चाहता तो हूं पहली बात यह बोलना चाहूंगा पर्दे का फायदा क्या मेरी माँ और बहनों और मेरे अपने भाइयों सबसे पहला मसला यह है कि यह पर्दा जो है यह आपकी इबादत और अल्लाह तला की फर्मा बरदारी आपकी इबादत का हिस्सा यह अल्लाह तला की इताद का हिस्सा आपकी अल्लाह ताला के सामने फरमाबरदारी बरदारी है आप यह मसला याद रखें पर्दे का अगर इनकार करती है कोई खातून कोई मर्द या पर्दे को ना पसंद करता है कोई मर्द कोई खातून इस्लामी शरीयत की नजर में यह दोनों बातें कुफर हैं जिससे आदमी इस्लाम से निकल जाता है इनकार करे या ना पसंद करे अल्लाह के इस हुक्म को ना पसंद करे मर्द करे कि औरत करे वो पहनती भी है लेकिन ना पसंद करती है इस्लामी शरीयत ने कहा ये दोनों कुर के दर्जे और अगर कोई खातून कोई मर्द पसंद भी करता है और इनकार भी नहीं करता कबूल भी करता लेकिन अमल नहीं करता है तो फिर यह गुनाह कबीरा है यह गुनाह कबीरा है पर्दे का मामला गुनाह कबीरा का है इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हें यह मानना है कि अल्लाह तरमा बरदारी है और इस पर अल्लाह आपको अजर मिलेगा पहला फायदा दूसरा फायदा क्या है कुरान में अल्लाह ताला ने पर्दे का बड़ा फायदा का दाली का अदनाफ न फला का ये औरतों का तहफ है पर्दा औरतों की हिफाजत है पर्दा औरतों की हिफाजत है कैसी हिफाजत है अल ने लिखा कि पुराने जमाने में इस्लामी तारीख के इब्तदा में जो औरतें जमाने जाहिलियत की होती थी जिनके पास इज्जत आबरू की कोई हैसियत नहीं थी बेपर्दा रहा करती थी बापर्दा होने का मतलब ही ये है कि मैं अपनी इज्जत की मुहाफिज हूं मुझ तक तुम आ नहीं सकते इस्लामी शरीयत ने कहा जो पर्दे में होती उस औरत की तरफ कोई मर्द गलत नजर से नहीं देखता या नहीं देखना चाहिए इस्लाम ये कहता है कि यह पर्दा आपकी हिफाजत है कई तरह से हिफाजत है एक तो ये कि बेपर्दा निकलेंगी तो दावत नजारा देते हुए जा रही है सामने वाला जितना इम्कान देखेगा उतना आप गलत फायदा उठाएगा और अगर इंसान झरी इंसान होगा तो आपकी इज्जत पे दस दराजी करेगा लेकिन पर्दे में अगर होंगी छुपी हुई होने की वजह से इनके फितनों से महफूज रहेंगे और दूसरी बात इसमें तुम्हारा फायदा है इसलिए कि तुम बेपर्दा निकलोगी सामने वाला आकर अगर मीठे मीठे जुमले बोलेगा मुतासर करने वाला जुमला बोलेगा तुम्हारी नीयत घर से निकलते वक्त अच्छी थी लेकिन बेहिजाबी बेपर्दगी की वजह से फितने की दावत देने वाला आया तुम उसके फितने का शिकार हो गई फर्दे का फायदा यह कितों का तहफ है और तीसरी बात इस सिलसिले में यह है याद रखें कि अल्लाह तबा ने खातिन के सिलसिले में एक बड़ी बात कही इबन मसूद तिरमिदी की रिवायत है कि औरत जब अपने घर से निकलती है इस शैतान शैतान उसके पीछे लग जाता है क्या मतलब अलइम ने लिखा कि औरत बाहर निकलती है तो शैतान कहता है अब हाथ आया मौका अब इसके जरिए मर्द को भी आसानी से गुमराह कर सकता हूं और इस औरत को भी आसानी से गुमराह कर सकता हूं मैं वक्त इजाजत नहीं देता कि इसकी तफसील में जाऊं मुख्तसर यह कह दूं इब्ने कम ने लिखा है गुनाह जितने होते हैं अल्लाह की नाफरमानी जितनी होती वो दो रास्तों से एक शुभात के रास्ते से दूसरे शहवाद ख्वाहिशात के रास्ते से औरत जब बाहर निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है ताकि शहवात के रास्ते से बनी आदम की गुमराही का रास्ता पैदा कर सके आप अगर घर में रहती हैं पर्दे का लिहाज रखती हैं तो शहवात के बाप के फितने का सद्दे बाप, सद्दे बाप कर ले जाती है अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने अपनी बात अपने उम्मत के मर्दों पर औरत से बड़ा फितना कोई नहीं देखा है औरत फितना नहीं औरत की वजह से मर्द जो फितने में मुबतला होता है उससे बड़ा फितना कोई नहीं हो सकता जिसमें मेरी उम्मत मुबतला होगी इसलिए पर्दे का लिहाज रखो और चौथी और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बात याद रखो पर्दा जो है वो इस्लामी तहजीब और कल्चर की पूरी एक अलामत है औरत सिर्फ पर्दे से बाहर नहीं निकलती आप यकीन करो पूरे कल्चर से बाहर निकल जाती है एक औरत जो परदा करती है वो सिर्फ एक लिबास और इसमें नहीं रहती वो पूरे इस्लामी शरीयत की तलीमत के दायरे में आ जाती और एक पर्दे से बाहर निकलने वाली सिर्फ पर्दे से बाहर नहीं निकलती पूरे सिस्टम से बाहर हो जाती है पूरे कल्चर से बाहर हो जाती है अब जो औरत पर्दा ना करे और कहे मैं बाकी सारे दीन की हिफाजत कर लूंगी नहीं होगा आप ये बात तय कर लें यह पूरा एक सिस्टम का हिस्सा पर्दा सिर्फ पर्दा नहीं है यह पूरी तहजीब कल्चर का पूरा मुहाफिज है औरत परदे से नहीं निकलती पूरी तहजीब से निकलती है इसलिए इस मामले को याद रखने की कोशिश करें और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा मौजूदा दौर में जो हिजाब का फितना खड़ा हुआ मेरे भाइयों हम ये बात हमेशा से कहते हैं कि जो इस्लामी शरीयत के मुताबिक पर्दे का पाबंद रहेगा अल्लाह के फतलो करम से, से उतना ही महफूज रहेगा तस्करा मैंने किया उसकी रियायत के साथ करती है और अगर इसकी मुखालफत कहीं होती है और उसकी वजह से कोई फितना आता है तो औरत को सबसे पहले सबक पर रोक लगाना चाहिए फितने पर बात होगी लेकिन अस्बाब पर भी आदमी को बात करनी चाहिए ये पहली बात बात याद दिलाना चाहूंगा। दूसरी बात ये कहना भाइयों, जो हिजाब पहुंची है, देना चाहता हूं कि इस मामले को अगर सही से जैसे शुरू में कोशिश की गई संभाला गया होता तो इतना बड़ा मसला वह कभी नहीं बनता मैं आपको बताना चाहता हूं इसे सियासी रंग देने में इतना बड़ा मसला बनाने में गैरों का तो हाथ है ही उसमें कोई दो नहीं हम बात कर रहे हैं तो उनका मामला घटा नहीं रहे वो तो हैं फितना पैदा करने के लिए वह है मुसलमानों के पीछे पड़े हुए चंदर पसंद लोग वो हैं लेकिन सवाल ये है हमारे अपने लोगों ने इसे सियासी मसला बनाने में कितना किरदार अदा किया इस मसले को हमें सोचना चाहिए मैं आपको बताऊं

बगदाद के पाए तख्त में आकर उनके ईंट से ईंट बजा दी सबब कौन बने सबब कौन बने मुसलमान सबक बने थे तारीखी सच्चाई आप जाके पढ़ के देखो मैं आपको बताऊं इस्लामी शरीयत ये कहती है कोई मुनकर कोई नापसंदीदा काम है 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 उसे बदलना है, उसको रोकना है, बुराई को रोकना है लेकिन इस्लाम ये कहता है कि अगर आपकी बुराई से से रोकने की वजह और बड़ी बुराई जन्म ले सकती है तो यहां बुराई को रोकने के सिलसिले में आपको जो है शरीयत की तारीम का पाबंद रहना पड़ेगा उस छोटी बुराई को बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर ये यकीन हो कि इससे बड़ी बुराई पैदा हो सकती है पर्दे के मसले में क्या हुआ ये मसला जब उठा था तो छोटा सा था स्कूल के मैनेजमेंट का मसला था और इस मसले को वहां के कुछ जिम्मेदार लोग हल करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें यकीनन कुछ बातों में समझौता करने की बात आई मुझे और आपको इख्तलाफ हो सकता है कि वहां समझौता नहीं हो सकता था लेकिन इस मसले को सियासी मसला बनाकर बिगाड़ने वाले कौन थे कुछ तंजीमें थी कुछ नौजवान थे जिन्होंने इस मसले को सोशल मीडिया पे लाया हफ्ता दस दिन तक बिठाया उन बच्चियों की मजलूमियत का सियासी अंदाज में चर्चा किया नतीजा क्या हुआ आज ये सूरत हाल है कि पूरे मुल्क का मसला पूरी दुनिया के सामने है और अगर पाबंदी लगी से छह लड़कियों तक जो शर्त हम खैर नहीं कह रहे ये नहीं कह रहे कि जो बहुत अच्छा था वो शर्त था उसे रोकने के लिए दस तदबीरें आप कर सकते थे लेकिन पांच से छह लड़कियों के मसले को जब हमारे लोगों ने सियासी रंग दिया तो आज ये सूरत हाल है हो सकता है पूरे मुल्क के कॉलेजों के अंदर पर्दे पर पाबंदी लग जाए हम ये जरूर कहेंगे कि जो कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ कानूनी कारा जो, चारो जोई करो हुकूमत के जिम्मेदारों से बात करो हम बात करेंगे यह हमारा हक भी है यह हमारे दीन का मसाला भी है यह हमारा जो है हक है हम चाहे जो पहने हम बात करेंगे लेकिन इससे पहले इस पर बात करो कि यह मसाला यहां तक लाया किसने और क्यों लाए क्यों लाए भाइयों देखो हमारे अपने लोगों के अंदर ये जो मिजाज है हर मसले को सियासी बनाना हर मसले पे प्रोटेस्ट पे आना हर मसले पे सड़कों पे निकलना याद रखो भाइयों ये देखा गया है कि आपके प्रोटेस्ट से अक्सर नुकसान ज्यादा हुआ है फायदा नहीं हुआ है या अगर कहीं हुआ है तो बार बरा नाम हुआ जो मसला कोर्ट में हो सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करेंगे तो हल हो जाएगा पुराने जमाने में लोग प्रोटेस्ट करते थे जब हुकूमतों पर दबाव बनता था अब तो आपको मालूम होना चाहिए आपका अब प्रोटेस्ट उनकी सियासी गिजा है वो अपनी रेट और रोटियां सेक रहे हैं उस पर ऐसे हालात में समझदारी का तकाजा यह है कि को कानून के दायरे में कौम के समझदार लोगों में हल करें लेकिन क्या मालूम है आपको यह बात अगर की जाती है तो लोग कहते हैं डरपोक है हुकूमतों से डरते हैं कहते हैं ये लोग बुझे नहीं इनके अंदर हिम्मत नहीं है सवाल यह है कि अब अगर यह पाबंदी लग गई तो जिम्मेदार कौन होगा और अल्लाह करे इन शाह ये नहीं लगेगी अल्लाह से दुआ करे इसलिए कि बैन अवी जो इंसानी हकूक कमीशन के जो दस्तूर है उनके खिलाफ भी है और इस मुल्क के अपने उसूल और जावित ही नहीं यहाँ के कानून के भी खिलाफ है लेकिन मान ले अगर पाबंदी नहीं लगकर छूट भी मिल गई लोग खुशी मनाएंगे हम जीत गए लेकिन आप याद रखें आप पूरी तरह जीते नहीं इस एक मसले ने यूपी के पूरे इलेक्शन के अंदर उनको इतनी गिजा फराहम कर दी कि आप इस मसले में जीत कर भी बहुत बड़ा नुकसान आप उठा चुके हैं इन मामला को समझें जो उलमा जो जिम्मेदार उस पर क्या है उलमा बयान क्यों नहीं देते आपके बयान से कुछ बदलने वाला है बोलो वहां जहां जरूरत है बोलो उतना जितनी जरूरत है आप यहां बैठकर बयान देखिए दे दुनिया बदल जाएगी और कोई समझदार आदमी समझदारी का तकाजा जिम्मेदारों से बात कर रहा है कोर्ट कचेरी के मसलों में कोशिश कर रहा है कोशिश कर रहा है तो लोग क्या कर? ये उलमा कुछ नहीं करते उम्मत के लिए यानी ये कि ये तय करेंगे जज्बातीयत की बुनियाद पर ये तय करेंगे हर मसले को सड़कों पर लाने के लिए और चाहेंगे कि पूरी उम्मत इस आग में कूद जाए अगर कूद गए तो सब बहादुर और अगर ना कूदे सब कौम के बुरे बुरा चाहने वाले कौम की खिदमा खैर खा नहीं रहे कौम के हक में जो ये लोग बुजदिल हो गए डर गए मर गए फुला हो गए मेरे भाई क्या चल रहा है ये सब कुछ मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, भाई इस किस्म का जब कभी मसला उठे ना जज्बाती से ज्यादा समझदारी का मुजाहरा करो आप यकीन करो इस मुल्क की सियासत बात सियासत की तरफ जारी में ज्यादा नहीं जाना चाहता इस मुल्क की सियासत की यह सूरत हाल है कि पिछले पांच साल मरकजी सतह पर इलाकाई सतह पर हो हुकूमतें अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर तोली जाती हैं उस सूरत हाल में इनकी नाकामी हो रही है ये कम्युनलाइज़ करके मुद्दे पैदा करके वो इस इलेक्शन को आइंदा के जीतना चाहते हैं आप में और मुझ में इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि साल भर की उनकी नाकामी को हमारे इकदाम से हम कामयाबी में बदलने देंगे ये तो नहीं होना चाहिए ना इस सिलसिले में मेरे भाइयों याद रखो वो लोग वो तनजीमें वो अफ़राद वो जिम्मेदार जो जज्बातीयत की बात करते हैं उनको भी ये पैगाम है कि उम्मत के सारे लोग उम्मत के खैर हैं इक्का दुक्का लोगों से आपको इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ही खैर खाए बाकी सब डरपोक हैं बाकी सब जो लापरवाह उम्मत की फिक्र नहीं है उनको इन मामला को समझ कर संभालने की कोशिश करें और एक बात कहकर आखिरी में मैं जिक्र कर दूं कि एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए अलग से हमारे कॉलेज होने चाहिए फुला होने चाहिए यकीनन अगर हो सके खास लड़कियों के लिए अलग आप कॉलेज बना सकें बनाइए जहां मेयारी तालीम हो लेकिन ये मसला भी कि किन खतूत पर यह सारी चीजें तय होनी चाहिए इस पर भी उम्मत के संजीदा लोगों को सोचने की जरूरत है क्यों मेरे भाइयों इस वक्त इस मुल्क के अंदर हुकूमत चल रही है इसके पीछे ब्राह्मण जहनीयत है और ब्राह्मण जहनीय पुराने जमाने में शूदरों को दबाकर शूदरों को अपना मुखालिफ बनाकर जिस तरह हुकूमत करती थी आज मुसलमानों को चारा बनाकर हुकूमत करना चाहती और दुश्मनी के नाम पर मुसलमानों को जो मेन स्ट्रीम है असल जो कौमी धारा है उससे अलग कर देना चाहती है और आप और मैं इनके हर इकदाम पर हम स्कूल अलग कर लेंगे और एक मसला हुआ हम अपनी कंपनियां अलग कर लेंगे हम मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिमों के पास काम नहीं करेंगे हमारे पास सिर्फ मुसलमान कारीगर रखेंगे अगर इस रुख पर आप गए ना तो जितनी तेजी से वो आपको इस मुआशरे में अलग तलग करना चाह रहे उससे ज्यादा तेजी से आप अलग हो जाएंगे सोच समझ कर उम्मीद के जिम्मेदारों को करने दें हमारी कौम का बड़ा मसला यह है कि आज फेसबुक व्हाट्सएप और यूट्यूब मिल गया है क्या है कुछ नहीं लिखने के लिए दो मिनट चाहिए फेसबुक पे बैठ के कमेंट कर दिया व्हाट्सएप पे कुछ लिख दिया यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाकर डाल दिया बात खत्म और समझा कि मैं ही मेरे अंदर ही उम्मत का दर सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में और बाकी सब ना उम्मत के खैर कहां है ना कुछ भाइयों मेरी बातों से आपको बुरा लगा होगा हो सकता है आपको तकलीफ होगी सही लेकिन इन बातों का मकसद आप में से किसी पर भी तंज नहीं करना आखिर कब तक ऐसी जो है बेतरतीबी से हम जियेगे परदे का मसला कानून के हाथ में चला गया अब कोशिश कानून के जोर पे हो सकती है या फिर हम और आप अपने हकूक के लिए आइंदा भी जो इस्लामी शरीयत के दायरे में गुंजाइश निकलती है कानून के दायरे में कोशिश करते रहेंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी लेकिन जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि आइंदा भी ऐसे मुद्दे खड़े किए जाएंगे आइंदा भी ये होगा अगले साल आपके सूबे के अंदर भी होने वाला उससे पहले ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे जरा समझदार बनने की कोशिश करो आपने देखा डीजे हल्ली का मसला हुआ आज तक नौजवान अंदर हैं कोई उनका पूछने वाला नहीं है अब मैं आपको बताऊं उसमें कमाल की बात क्या है किया किसने तंजीमों से जुड़े अफराध ने जज्बाती नौजवान ने कुछ मौलवियों में से कुछ लोगों ने जाके किया अब जिम्मेदार भी वही ना होंगे लेकिन नहीं अब उनको कोई नहीं पूछ रहा है उलमा को पूछ रहे हैं उलमा क्या कर रहे हैं हमारे नौजवान जेलों में जाने से पहले उलमा से पूछे थे क्या उलमा ने नसीहत की थी उस वक्त कबूल किया था क्या इसे नहीं चलेगा हो क्या रहा है तुम मुझे बुरा कह लो मैं तुम्हें बुरा कह ला रहा हूं और दुश्मन अपना उल्लू सीधा कर रहा है वो मुखालिफिन अपना मामला रहे हैं इसलिए मेरे भाइयों इस मामले में आपस में समझदारी के साथ ताउन के साथ मिल बैठ कर चलने की कोशिश करो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं पहले मरहले में ये कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी शरीयत की तालीमात बिलखसूस पर्दे के सिलसिले में दोनों तरफ की जो तालीमात है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरी बात जो मौजूदा कजिए से मुतल थी ये कुछ गुजारिशांत नहीं ये पूरे मसले का जायजा भी नहीं कोई ये ना कहे इतनी ही पे बोले उस पर क्यों नहीं बोले इस पहलू पर क्यों नहीं बोले नहीं मकसद नहीं है जिन बातों को मुझे मुझे लगा कि तंबी करना जरूरी है उस पर मैंने किया वरना यह मसला तो बहुत पहले चंद संजीदा लोगों के हाथ में इसको संभाल लेने का था इतना बड़ा मसला जब बना दिया है अब कोशिश करें कि नुकसान कम से कम हो और फायदे के साथ हम इससे मस, इस मसले से बाहर निकलें अल्लाह हम और आपको इस बात की तोहफी कथा फरमाएं आमीन व आखिर अनिल्लामीन